सरकार ने आज रात 12 बजे तो न्यूजीलैंड भर में ऑरेंज लाइट सिस्टम लागू करने का फैसला लिया। आज न्यूजीलैंड भर में 9495 केस सामने आए ने, 551 लोग हस्पताल विच ने, 15 मौतों की तस्दीक की जा चुकी है। पर सरकार का कहना है कि हुण असी ओमिक्रोन की पीक पार कर चुके हैं, इसलिए ऑरेंज सैटिंग्स से चेंज करना सुरक्षित है। ऑरेंज सैटिंग्स का मतलब है कि हुण इकट्ठ करने ते कोई पाबंदी नहीं होगी, बार ते रेस्टोरेंट विच भी कोई पाबंदी नहीं होगी, ना ही मास्क पाउणा लाजमी होगा। पर हजे भी रिटेल अते पब्लिक ट्रांसपोर्ट विच मास्क पा के रखना लाजमी किया गया है अते स्कूलों के बच्चों नू मास्क पाउण लई उत्साहित किया जाएगा। हालांकि इस दौरान क्रिस हिपकिंस भी स्पष्ट नहीं सन कि किन्ना थावां ते ऑरेंज सैटिंग्स लागू कीतियां जाणियां ने। उन्हें सब तो पहला यह कहा कि असी लोगों नू फ्लाइट अते पब्लिक ट्रांसपोर्ट ते भी मास्क पाउण दा सुझाव दिंदे आ, पर फिर उन्हें एक मिनट मंगिया, फिर उन्हें दस्या कि मास्क हजे भी फ्लाइट अते पब्लिक ट्रांसपोर्ट विच लाजमी होगा। उन्हें कहा कि कुछ कारणों करके मैं अज लिस्ट नहीं लिया सकिया। वो इन्ने कन्फ्यूज्ड सन कि उन्होंने मास्क ते सवाल लेने भी बंद कर दिते। क्रिस हिपकिंस के इस रवैये ते हुण सियासत भी पक चुकी है। ग्रीन पार्टी के को लीडर जेम्स शॉ ने उन्होंने इस रवैये को अजीब रवैया दसिया है, जबकि नैशनल पार्टी के क्रिस बिशप ने कहा है कि ट्रैफिक राइट रूल्स को लेकर कन्फ्यूजन की असल सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, NZ पंजाबी न्यूज़।